हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बेस्ट ट्यूब, जिसके बारे में मैं पहले ही दो रील्स डाल चुका हूँ। काफ़ी क्वेरीज आई हैं उसको लेके, तो मैंने कहा प्रॉपर आपको फुल फ्लेज वीडियो दे दी जाए। तो ये बेस्ट ट्यूब कीकर कीकर की बेस्ट ट्यूब है, जिसमें इनबिल्ट एम्प आता है, जिसमें आपको बाहर से कोई एम्प किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी वायरिंग भी साथ में ही आती है। साथ में इसका एक रिमोट कंट्रोलर आता है, जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये रहा, आप देख सकते हैं, इसका आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं। उसके बाद ये ऐसे यूज़ हो जाता है, और ना इसकी वायरिंग की कोई ख़ास टेंशन है, क्योंकि ये ऑक्स के थ्रू चलता है। मतलब अगर वायरिंग ख़राब भी हो जाए तो आप यहाँ पे दूसरी ऑक्स लाकर डाल सकते हो। ये देखिए, ये प्रॉपर ऑक्स से वर्किंग होता है। मैं इसको यहाँ तक ले आया था, और इसकी वायरिंग में ऐसा कुछ है नहीं। आपके इसमें वायरिंग्स का मैं पूरा सिस्टम दिखा देता हूँ, और ये आपको इजीली अवेलेबल भी नहीं होता है, क्योंकि ये इंडियन मार्केट्स में नहीं है, ये सिर्फ बाहर से इंपोर्ट हुआ है। और अब तो ये है भी नहीं कहीं पे, मेरे को भी बड़ी मुश्किल से मिला था। एक बार मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा था, तो मेरे को अब एक्चुअल में इसको निकालना है, इसको और अपग्रेड करना है, तो इसको मैं सेल पर लगा रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है ये। उससे पहले मैं एक बार आपको इसका आउटपुट सुना देता हूँ। और ये मेरे कंपनी वाले सिस्टम के साथ चल रहा है, देख सकते हैं। इसका रिस्पांस जो बिल्ट इन एम्प जितनी भी बेस ट्यूब आती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे बूट में, और दिखाते हैं एक बार ये कैसे है, इसकी कैसी वायरिंग है, क्या सिस्टम है इसका प्रॉपर। ये वो एक कीकर की बेस ट्यूब है, ये इसमें 10 इंची का वूफर लगा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ एक बहुत कॉम्पैक्ट सी है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ से। और ये नीचे से और भी पतली है, आप देख सकते हैं कैसे इसका साइज़ है। इसको कीकर बेस स्टेशन के नाम से जानते हैं, और इसको कीकर बेस स्टेशन से सर्च करेंगे तो आपको नेट पर काफ़ी सारी दिख जाएंगी सेम यही वाली मॉडल वाली। और इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो कि इसकी करनी पड़ती है, मैंने तो सारी सेटिंग फ़िक्स करके छोड़ रखी है। जो मैंने आपको ऑक्स दिखाई थी वो ये रही, ये ऑक्स सीधा मेरी आगे जा रही है। आपका एक इसमें फ्यूज़ है, और आपके इसमें कुछ वायरिंग्स हैं, मैं आपको वायरिंग्स भी समझा देता हूँ। यहाँ पे दो वायरिंग है, एक आपकी, ये दोनों आपकी स्पीकर्स की हैं, ये आपके लेफ्ट राइट चैनल में जा रही है, मेरे यहाँ पे स्पीकर्स लग रहे हैं, इनके अंदर जा रही है दोनों में, ये देखिए वायर। एंड उसके बाद आपकी ये है आपकी ग्राउंड में जा रही है दो वायर, ये एज इट इज कपलर के साथ आती है, ये आपकी ग्राउंड में जा रही है, मैंने ये यहाँ से ग्राउंड में दे रखी है। फिर आपकी यहाँ पर ये जो दो तारे हैं, यहाँ पर लिखा भी है 12 वॉट और रिमोट, ये जो दो तारे हैं ये डायरेक्ट बैटरी में जाती हैं, और ये आपकी एक वायर है रिमोट वायर, जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे इसमें करंट आ जाता है तुरंत, ये और उस पर्पज़ से है। मैं आपको एक बार इसका रिस्पॉन्स सुना देता हूँ यहाँ पे रख के भी। साइज देख सकते हो कितना छोटा और कितना कॉम्पैक्ट साइज है इसका।
आज की वीडियो में बस इतना ही तो आपको बताना दिखाना था इस बेस ट्यूब के बारे में। ये फॉर सेल है, ये आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स मैं नीचे डाल दूंगा। जिस किसी भाई को भी चाहिए हो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है या फिर कॉल कर सकता है, मैं उसको बता दूंगा। और एक बार उसको रिस्पॉन्स चेक करना हो तो आके चेक भी कर सकते हैं, ये जब कोई आ जाएगा उसको चेक करवा के तभी उतार के दी जाएगी। थैंक यू।